चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 600 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी लेक्चर हैं इससे संबंधित वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है हमारी जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए, ठीक है। चलिए हम 601 क्वेश्चन देखते हैं। 601 बार चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो याद रखना थ्रोम्बोसाइट्स। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। लेम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। 602 का क्वेश्चन, मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या होती है? तो आपको याद रखना 14। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। 603 वा क्वेश्चन, मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं? तो याद रखना आइसोमेट्रिक। मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं तब उस क्रिया को आइसोमेट्रिक मेटेड कहते हैं। 4 क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। RBVC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन O2 से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद O2 मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में CO2 एवं जल का निर्माण करता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स में पहुंचता है। जब सांस छोड़ी जाती है तो तब CO2 शरीर से बाहर निकलता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी क्या है? तो आपको बता देना है बर्फ द्वारा उपचार। 6वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो याद रखना फेफड़ों में। CO2 युक्त रक्त फेफड़ों लंग्स में ऑक्सीकृत होता है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो आपको बता देना है फीमर। मानव शरीर की सबसे मजबूत लंबी एवं भारी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। 608वां क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो आपको बता देना है सोलियस, ठीक है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं? तो याद रखना अलिंद, ठीक है। मनुष्य के ऊपर चैम्बर को ऊपरी चैम्बर को अलिंद कहते हैं और मनुष्य के हृदय में नीचे वाले चैम्बर को निलय कहते हैं। मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। रक्त का कार्य होता है तो आपको बता देना है ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है? तो आपको बता देना है 6 से 8 लीटर, ठीक है। बात करते हैं 12 का क्वेश्चन, कोहनी की संधि को जोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो याद रखना बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स मांसपेशियां कोहनी की संधि को जोड़ने एवं विस्तार में सहायक होती हैं। बात करते हैं 613, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो याद रखना ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। 14वां क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो आपको बता देना है ए ऑप्शन सही है, ठीक है, थाइमिन। याद रखना विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो याद रखना है इनमें से सभी के द्वारा, वायु के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, जल एवं भोजन के कारण। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो याद रखना प्रोटीन, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं 17वां क्वेश्चन, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो याद रखना हरी सब्जियों। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन,
एंथोलॉजी का अध्ययन करता है, एंथोलॉजी अध्ययन करता है जोड़ों का। एंथोलॉजी के अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन, ज्वाइंट्स का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, मायोलॉजी ये मांसपेशियों का अध्ययन करता है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है तो याद रखना 33, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है तो याद रखना 400 मिलीलीटर। बात करते हैं 21 क्वेश्चन, ह्यूमरस हड्डी स्थित है तो याद रखना ऊपरी लिम्ब में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 22, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है दलपुंज, फूल का चमकीला एवं आकर्षक बाल दलपुंज है। कोरोला रंगीन होता है, वह हरा रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है। क्लेक्स क्लेक्स बाह्य दलपुंज, यह बाह्य हरे रंग का होता है तथा फ्लोवर फ्लोवर का बाहरी भाग होता है। फ्लोवर के डंठल को पेडिक्स पुष्प वृत्त कहते हैं। 23 क्वेश्चन, कॉलेरा होता है तो याद रखना बैक्टीरिया द्वारा, ये ऑप्शन सही है। अंडे उत्तम स्रोत हैं तो याद रखना प्रोटीन के, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत दाल है, दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन अंडा से प्राप्त होता है। 25वां क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में जंतु पाया जाता है तो आपको बता देना है तना, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। वैसे पौधे जो अपना भोजन, ये ऑप्शन सही है याद रखिए, उसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सोफोसी या ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, हरे पेड़ पौधे जिस प्रकार हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे बाघ हिरण खरगोश सियार मनुष्य। 27 क्वेश्चन, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं तो याद रखना एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल फल एवं बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर में होता है, जिम्नोस्पर्म में इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी प्रकार के संरचना में बंद नहीं होते हैं, आपस्पीय पौधे, इनकी वैसे पौधे जिनमें फूल नहीं होता है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा इत्यादि, ठीक, पेट्रिडोफाइटा। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन से हैं तो याद रखना आम, आम का द्विबीजपत्री होता है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटता है डिकोट सीड द्विबीजपत्री कहलाता है, आम, जामुन, दलहनी दाल। बात करते हैं 29, एक कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है तो याद रखना प्रोटोजुअन के रूप में। एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजुआ के रूप में। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है प्रोटोजुआ कहलाते हैं, बैक्टीरिया, बिलू, एग्री, एल्गीज, ठीक। 30 क्वेश्चन नंबर, केले के पौधे की जड़ें हैं तो याद रखना श्वसन मूलक, केले के पौधे में श्वसन मूलक होते हैं, आरोही मूल इस प्रकार की जड़ें तना से निकलता है और पौधे को आधार पर चढ़ने में मदद करता है। पान, मनी प्लांट, आप स्थानिक जड़ें, वैसी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे की किसी अन्य भाग से निकलती हैं, आप प्रस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, शकरकंद, गन्ना, बरगद, ठीक है। बात करते हैं 31वां क्वेश्चन, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है तो याद रखना आसूत जल, ठीक है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन, जल जनित रोग क्या है तो याद रखना डिप्थेरिया, जल जनित रोग डिप्थेरिया है, टाइफाइड, पीलिया भी गंदे जल के सेवन से होता है। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता तो याद रखना तेल, तेल जल में नहीं घुलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है तो याद रखना केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न
किया जाता है, तो याद रखना फंगस द्वारा। 36 क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो याद रखना फेफड़ा। ठीक, फिर हमारा 37, मियोक्सिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो याद रखना मियोक्सिस फर्स्ट और दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रिस्पिरेशन श्वसन होता है। ठीक है, बात करते हैं 39, नेप्टोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, तो याद रखना विटामिन के का। 40, जैविक रंजक जिस जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो याद रखें मेलानिन। ठीक है, बात करते हैं 41, वाटसन एवं किक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया कि उसे अब कहते हैं, तो याद रखना बीडीएनए। ठीक है, बात करने वाले हैं 42 क्वेश्चन, पूर्ण वर्णांधता नेफाइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण हैं, तो याद रखना एक्स सहलग्न। ठीक है, पूर्ण वर्णांधता नेफाइटिस आदि वंशागत बीमारियां एक्स सहलग्न का गुणसूत्र का गुण है। बात करते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है, सही विकल्प चुनिए, तो याद रखना है बी ऑप्शन सही है। 2, युग्लिन जंतु एवं वनस्पति की सहयोग जुड़ी है, सही है। नियोपिलाइना आर्थोपोडा मोलस्का की संयुक्त जोड़ी है, ये गलत है। ठीक है, पेरिपेटस एनिलीडा आर्थोपोडा की सहयोगी कड़ी है, ये भी सही है। और कियो ऑप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षियों की सहयोगी कड़ी है। बात करते हैं 64, 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझात अंगों का उदाहरण है, तो याद रखना डेको तथा चमगादड़ के पेटेजियम। ठीक है, बात करते हैं 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो याद रखना एड्स वायरस SSRNA। ठीक है, बात करते हैं 46 क्वेश्चन, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं, तो याद रखना ये ऑप्शन सही है। कोशिका भित्ति की संरचना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतर में सहायक, ठीक है, ये भी 1-2 सही है। ठीक, 47, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है सैडल संधि। ठीक, बात करते हैं 48, मूल गो नहीं पाया जाता है, तो याद रखना जलीय पौधों में। ठीक है, मूल गोप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोफाइट जलोद्भिद वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे होते हैं, कमल सिंघाड़ा। मरुद्भिद वैसे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं, नागफनी। समोद्भिद मेसोफाइट्स वैसे पौधे जो सामान्य मिट्टी साधारण ताप नमी में उगते हैं, मेसोफाइट्स कहलाते हैं, धान गेहूँ मक्का। हेलोफाइट्स लवणभिद इसे वैसे पौधे जो लवण ये स्थान समुद्र के किनारे या दली भूमि में उगते हैं, राज्यपोरा पोई सोने रेसिया। ठीक, आगे बात करते हैं 49, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 50 क्वेश्चन, हार्मोन एडिनलिन तो याद रखना जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ठीक है, हार्मोन एडिनलिन जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजस से शरीर की सहायता करता है। एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, से लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 51, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है। ठीक है,
दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। इसी कारण हर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक छोड़ते प्रतीत होते हैं। 52 क्वेश्चन, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, तो याद रखना केंद्रक की अनुपस्थिति। ठीक, बात करते हैं 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, तो याद रखना यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये गलत है। यह निगलने में मदद करती है, ये भी सही है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होंठों तथा जिया की गति को अनुकूलित बनाकर बोलने में मदद करती है। ठीक, 54 सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, तो याद रखिए लेंस। बात करते हैं 55 क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, तो याद रखना प्रोटीन। ठीक है, शरीर में सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, याद रख। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो याद रखना कर्ण पूर्व ग्रंथि में। ठीक है, 57 क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखना यकृत। ठीक है, बात करते हैं 58 क्वेश्चन, पाइनस है, याद रखना वृक्ष, पाइनस वृक्ष का उदाहरण है। यह जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है, समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता, बीज किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता है। 59 क्वेश्चन, जीवाश्म में पाए जाते हैं, तो याद रखना औषधि सेल में, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, कवकों में संघित भोज्य पदार्थ है, तो याद रखना ग्लाइकोजन, कवकों में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संघित संचित होता है। एल्गे भोज पदार्थ मंडप के रूप में संचित होते हैं। 61 कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, तो याद रखना ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बात करते हैं 62 क्वेश्चन, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था, तो याद रखना क्लोरेला। ठीक, बात करते हैं 63, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो याद रखना तंबाकू बीटी कॉटन प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका प्रयोग व्यापार स्तर पर स्कंदन उत्पादन के लिए हुआ था, याद रखिए कपास है, बीटी कॉटन कपास। ठीक, कपास है याद रखना, ठीक है, तंबाकू नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसमें। 64 लीनियस ने दुई नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, तो याद रखना सिस्टेमा नेचुरे में। कैरोलस लीनियस 1735 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में दुई नामकरण का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सोनॉमी कहा जाता है। लोहे की कमी से पत्ते में होता है, तो याद रखना पहले नई पत्तियों में अंतरश्रीय हरी महीनता होता है। ठीक, बात करने वाले हैं 66 सदाबहार पौधे बस भर हरे रहते हैं, तो याद रखना एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, बात करते हैं 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणता वायु प्रदूषण नहीं है, तो आपको बता देना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात करते हैं 68वां क्वेश्चन, जीन्स बने होते हैं, तो याद रखना पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, बात करते हैं 69 गुणसूत्र में होता है, तो याद रखना डीएनए आरएनए स्टोन आई स्टोन। ठीक है, प्रोटीन। बात करते हैं दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है, तो याद रखना सहजीवी प्रोटोजुआ द्वारा। ठीक, बात करते हैं 71 जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है उसमें उड़ेल कर, तो याद रखना हेरुडिन। ठीक है, पीत ज्वार का स्थानांतरण होता है, 72 क्वेश्चन, तो याद रखना पीत ज्वार का स्थानांतरण मदा एडीज द्वारा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सी। यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है, इस बीमारी में अचानक ज्वार आ जाता है, काफ़ी तेज सरदर्द होता है, चेहरा फूल जाता है, कुछ दिन बाद भयानक पीलिया और
रोग हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन। तारक केंद्र पाया जाता है, तो याद रखना प्राणी कोष में। बात करते हैं 74 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होता है, तो याद रखना थायलेकाइड की। प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरित लवक थाइलाकोइड में पाया जाता है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो याद रखना लाल विकास में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल विकास में होती है, हरा विकास में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और बैंगनी विकास में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है, तो याद रखना लाइकेन। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। बात करते हैं 677 बायोफाइटस उभयचर है, ठीक है। वैसे पौधे या जंतु जो जल एवं स्थल दोनों जगह जीवन यापन करते हैं उभयचर कहलाते हैं, ठीक। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, तो याद रखना अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का, ये ऑप्शन सही है, ठीक। राइबोसोम केंद्र है, तो याद रखना प्रोटीन संश्लेषण के, ठीक है। एटीपी है, तो याद रखना वो ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंद एक अणु, ठीक। 81 क्वेश्चन। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है लाइकेन। 82 क्वेश्चन। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, ठीक। 83 क्वेश्चन। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है याद रखना ग्लाइकोजनोपत्ति उत्पत्ति, ठीक। बात करते हैं 84। सर्प के विष दंत हैं, तो याद रखना जंबिका दंत, ठीक। बात करते हैं तितली पक्षी चमगादड़ के पंख हैं, तो याद रखना संवृति अंग, ठीक। बात करते हैं 86। ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 सितंबर को। कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, जा चुका है कई परीक्षाओं में, याद रखना इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 87। निम्नलिखित में से कौन सा एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, तो याद रखना नियो पाई लाइना, ठीक है। बात करते हैं 88। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, तो याद रखना सिंपेथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। हृदय स्पंदन नियंत्रित सिंपेथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका होती है जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियां, फेफड़े, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, सभी प्रकार की ग्रंथियों के कार्यों उनकी सक्रियता पर नियंत्रित रखता है। इसके कार्य अनिच्छुक होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह त्वचा से उपस्थित ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, सेलिवरी ग्रंथि ग्लैंड के स्राव भी कम करता है, आंख की पुतलियों को फैलाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है तथा तेज करता है, रक्त दाब को बढ़ाता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इसका प्रभाव भ्रम, पीड़ा, क्रोध पर पड़ता है। पैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह ब्लड वेसल्स को जोड़ता है, तंत्र की उदली का संकुचन करता है, यूरिनरी ब्लैडर की कोश पेशियों में संकुचन पैदा करता है, यह आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक। बात करते हैं 89। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो आपको बता देना आर्निथिन चक द्वारा। आर्निथिन चक के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन क्रिया ओटो की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूटकर
पाइरूविक एसिड में दो अणु बनाता है, ग्लाइकोलिसिस चार एटीपी का निर्माण करता है जिसमें दो एटीपी खर्च हो जाता है और दो एटीपी शेष रहता है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलोसिस कहते हैं। माइटोकांड्रिया में श्वसन क्रिया O2 की उपस्थिति में होता है, इस श्वसन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकांड्रिया से जो श्वसन क्रिया होता है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पूरी प्रक्रिया में एक ग्लूकोज से कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। प्रकृति में से नाइट्रोजन से व्युत्पन्न विभिन्न विविध यौगिकों का निर्माण उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं, तो आपको याद रखना हाइड्रा, ठीक है। 91 क्वेश्चन, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, तो याद रखना स्कर्बिक अम्ल। स्कर्बिक अम्ल ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है। 92 क्वेश्चन, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, शलाकाओं में, ठीक है। 93 क्वेश्चन, अंधेरे में देखने की आंखों की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है। बात करते हैं 94, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, तो जिराफ, बी ऑप्शन सही है, ठीक। बात करते हैं 95, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखना है कुछ कोशिकाओं के बदले बदलते आकार होते हैं, ये गलत है, ठीक। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका के में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, ठीक है। बात करते हैं 96, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो याद रखना जे सी बोस, ठीक है, जे सी बोस। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो याद रखना यकृत, लीवर, ठीक। 98 क्वेश्चन, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो याद रखना है ए बी और बी को, ठीक है। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो याद रखना विटामिन ए का, ठीक है, प्रोटीन का हो सकता है, एंजाइम का, हार्मोन का, विटामिन ए का नहीं होता। 700 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो याद रखना CO2, ठीक है। बात करते हैं 700 क्वेश्चन खत्म हो गए हम लोगों की, आगे बात करेंगे 701 से, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है।